इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक मलाबार सिविट। यह भी स्पीशीज, इस पर भी ज्यादा न्यूज़पेपर में चर्चा नहीं रहती है, बट यह स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है और इस पर भी कभी भी यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक जो हमने 11 स्पीशीज देखे हैं उसमें आपको यह जरूर पता लग गया होगा कि कहीं ना कहीं यूपीएससी उनसे प्रश्न पूछ रहा है। अभी भी बहुत से और टॉपिक जैसे मराइन टर्टल्स तथा बतागुर बाक्सा इत्यादि स्पीशीज बाकी हैं, उनसे भी आपको पता लगेगा कि कैसे यूपीएससी वहां प्रश्न पूछ रहा है। अगर हमें एग्जाम की किसी की तैयारी करनी है तो हमें एक दिशा मालूम होनी चाहिए कि क्या पूछा जाता है। अगर वह हम करेंगे तो एग्जाम आसान है, अदरवाइज हार्डवर्क तो हर कोई करता है, बट हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। तो इस कंटेक्स्ट में हम यह मलाबार सिविट पढ़ रहे हैं। मलाबार सिविट नाम से ही पता लग रहा होगा, ये कहाँ मिल रहा होगा, मलाबार रीजन, त्रावणकोर रीजन, वहां पर यह फिगर है, ताकि इस फिगर से आपको जो है याद रहे कि क्या टॉपिक हमने पढ़ा है। बट इससे पहले हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ रहे हैं, बट अगर हमें बेसिक आप अभी आप एग्जाम की तैयारी आपने स्टार्ट की है तो आप फाउंडेशन के लिए जो है अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बेसिक स्तर से पूरी की पूरी जो है तैयारी करवाई जाएगी, पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और इसके लिए आप अन अकेडमी का पेड सब्सक्रिप्शन आइदर आइकॉनिक और प्लस प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, जहां आपको बेसिक जीरो से एडवांस में पढ़ाई करवाई जाएगी, जहां आपके पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। और यदि आप 11, 12 और उससे पहले या ग्रेजुएशन के समय से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपका वो फाउंडेशन के लिए यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां आपको लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड वे में शेड्यूल मिलेगा और इन सब वीडियोस का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, और आपकी तैयारी के लिए, जांच के लिए आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज का भी जो है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके लिए आप ऐप गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ 1 ईयर फीस प्लस की 59,500, ऑफलाइन के मुकाबले बहुत फीस कम है। 2 ईयर की फीस 72,000, जहां मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। अप्लाई कीजिए आप रेफरल कोड अमित जैन, आपको 10% ऑफ मिलेगा। केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं, अन्य एग्जाम स्टेट पीसीएस के लिए भी आप यह कोड यूज कर सकते हो, जहां आपको मिलेगा 10% ऑफ। अब इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और है, उसमें क्या अंतर है, वहां आपको मिलता है 1-to-1 मेंटोरशिप, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक, जो इस एग्जाम के लिए अति आवश्यक है, और इसकी 1 ईयर की फीस 64,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 57,600। 2 ईयर फीस 99,000, अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 89,100। इसके जरिए आप अपनी तैयारी को निश्चित दिशा दे सकते हैं, तथा इसके अलावा अन अकेडमी का ऑप्शनल कोर्सेज भी चालू है, जहां आप ऑप्शनल की तैयारी भी कर सकते हैं। 44 ऑप्शन में से जो आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल अमित जैन जो है अन अकेडमी अंडरस्कोर अमित जैन, तथा अन अकेडमी की जो ऐप है वहां पर अमित जैन डीसी 1785 से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं मलाबार सिविट। पहला, इसकी आयुषियन रेंज, आयुषियन में इसका स्टेटस, आयुषियन के अनुसार यह है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दूसरा, इसकी रेंज कहाँ मिलता है, ये केवल भारत में और स्थानिक रूप से एंडेमिक है, यह है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, तथा यहां भी है त्रावणकोर और मलाबार क्षेत्र। पहले यह कर्नाटक और केरल दोनों जगह मिलता था, बट विभिन्न मानवीय गतिविधियों,
आवास के विखंडन, फ्रेगमेंटेशन तथा जो मानवीय डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण इनकी संख्या कम हो रही। और 1960s तक माना जा रहा था कि ये पूरी तरह विलुप्त हो चुका है, परंतु इनको बाद में देखा गया। फिर इनका अगर साइट्स में बात करें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, यहाँ यह अपेंडिक्स 1 में नहीं अपितु 3 में है, जहां कोई देश ये कहता है कि इनको खतरा है और इन्हें संरक्षण की जरूरत है, वहां पर यह है। नेक्स्ट, यह स्पीशीज जो है कार्निवोर है, मांसाहारी। कार्निवोर जो है यह स्पीशीज है, यह इसके बारे में याद रखना। तो यह पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना। कंफाइंड टू केरला नाउ, मलाबार और त्रावणकोर रीजन, भारत का स्थानिक जीव है। फिर इनको खतरा है आपका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डिफोरेस्टेशन तथा अगर इसका ज्योग्राफिकल क्षेत्र की बात करें तो यह एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है केरल के वहां पर मिलता है। पहले ये लोलैंड फॉरेस्ट जो नीचे आपका जंगल वाला क्षेत्र है, लोलैंड स्वम्पी एरिया जो दलदल क्षेत्र है तथा जो नदी के मुहानों पर स्थित फॉरेस्ट है वहां पर मिलता था, परंतु अब यह जो है जो यह क्षेत्र लोलैंड वाला वहां पर पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। नाउ यह जो केशु प्लांटेशन है, काजू की खेती जो है तथा जो डिग्रेडेड लोलैंड फॉरेस्ट है नॉर्दर्न केरला में, वहां पर यह मिलता है। यह स्पीसीज निशाचर है, नॉक्चरल है, रात में ही शिकार के लिए बाहर आता है। यह पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना। क्या क्या याद रखना है? IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइट्स अपेंडिक्स 3, 1972 के शेड्यूल 1 में यह केरल में, केरल का स्थानिक जीव यह मांसाहारी है, यह पॉइंट याद रखना। तो यह हमने इसके बारे में किया, परंतु अगर हमें स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है तो हम अन अकेडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं, जहां बेसिक जीरो से हमें तैयारी करवाई जाएगी। और इसके लिए आप रेफरल कोड अमित जैन यूज कर सकते हैं, जहां आपको अन अकेडमी पर मिलेंगे 15,000 से ज्यादा GST कोर्सेस, GS पेपर 1, 2, 3, 4 की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। और यहाँ पर टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स जो हैं वह पढ़ा रहे हैं, इनके वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं, इनसे आप 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हैं, जहाँ आपको 1-to-1 वह गाइड करेंगे। और मेरे कोर्सेज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह था मलबार स्विट के बारे में, जो इसका स्पेसिफिक, यहाँ UPSC जरूर नहीं कि मलाबार सिविट पर पूछेगा, अभी तो एक ऑप्शन में वह मलाबार सिविट दे सकता है, एक ऑप्शन में। आजकल UPSC ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इस स्पीसीज के बारे में ही वह सारे कथन, सारे स्टेटमेंट आपको दे रहा। तो नेक्स्ट और हम स्पीसीज देखेंगे। होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कहां से UPSC प्रश्न पूछ रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता लगे कि UPSC कैसे